हेलो एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्शन ग्रामर। व्हाट इज एक्शन? तो सबसे पहले एक्शन समझ लीजिए क्या होता है। व्हाट एवर वी डू इज कॉल्ड एक्शन। जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं उसे एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंसना, रोना, खाना पीना, टहलना, दौड़ना, खरीदना, बेचना, कमाना, खर्च करना, खाना बनाना, पानी पीना, ये सारे एक्शन ही हैं। एंड व्हाट द रूल ऑफ एक्शन ग्रामर? सो द रूल ऑफ एक्शन ग्रामर इज वेरी सिंपल। एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर हम लोग काम करते हैं, काम को एक्शन कहते हैं, और जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जस्ट ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। सो ईट इज अ एक्शन एंड योर फूड, अपना खाना, इज अ ऑब्जेक्ट। तो जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम करते हैं उसे एक्शन कहते हैं। सो व्हाट द कंडीशन ऑफ एक्शन ग्रामर? एक्शन ग्रामर की कंडीशन आप समझ लीजिए, दो कंडीशन है। देयर आर टू कंडीशन ऑफ एक्शन ग्रामर। व्हेन यू आस्क समवन टू डू समथिंग, जब आप किसी से कुछ काम करने के लिए कहते हैं, एक्शन ग्रामर का यूज तब करते हैं जब आप खुद कोई काम नहीं करते, आप सामने वाले से काम बताते हैं करने के लिए, दैट टाइम यू विल यूज एक्शन ग्रामर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शन टू समवन, जब आप किसी को निर्देश देते हैं, That time you will also use action grammar. आप उस टाइम पे भी एक्शन ग्रामर का यूज करेंगे। सो बोथ कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट थिंकिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द कंडीशन, अगर आप कंडीशन समझ गए और रूल को अपने माइंड में सेट करके आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को यूज करेंगे, बिना सोचे, बिना सेंटेंस रटे, आपको अपने जो बात है वो इंग्लिश में कहनी है। सो एक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज अगर बोलनी सीखनी तो आपको एक्शन बहुत जरूरी है आपको याद करना। सो आई हैव रिटन सम एक्शंस आर देयर। फर्स्ट इज अ पे अटेंशन। सो पे अटेंशन मीन ध्यान देना। किसी चीज पे आप ध्यान देते हैं, किसी इंसान पे आप ध्यान देते हैं, तो ध्यान देना, पे अटेंशन ऑन योर स्टडी, पे अटेंशन ऑन मी, पे अटेंशन ऑन योर पेरेंट्स एडवाइस, पे अटेंशन ऑन दिस न्यूज। तो जब हम लोग कहते हैं ध्यान दो न्यूज पे, मुझ पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने माता पिता की सलाह पे ध्यान दो, सो पे अटेंशन। तो जब भी हम लोगों को किसी से एडवाइस देना होगा, इसमें आप एडवाइस देते समय, जब आप किसी को एडवाइस देते हैं उस टाइम पे भी आप एक्शन ग्रामर का ही यूज करेंगे। सो पे अटेंशन ऑन योर स्टडी। मेंड, मेंड मीन्स सुधारना, किसी चीज को सुधारना। मेंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा सुधारो। मेंड योर बिहेवियर, अपना व्यवहार सुधारो। मेंड दिस थिंग, इस चीज को सुधारो। मेंड योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक, गलती को सुधारो। तो हम लोग सामने वाले से कहते हैं सुधारने के लिए, खुद नहीं सुधारते, किसी से आप कहेंगे सुधारने के लिए। द थर्ड इज अ बटन अप। बटन अप मीन्स बटन बंद करना या ठीक करना। कोई शर्ट पहने, आप कह रहे हैं बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट, अपनी शर्ट की बटन बंद करो। अपनी इज अ थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो दिस पेपर इनटू द डस्टबिन एंड थ्रो दिस फ्लावर आउट ऑफ हाउस। एंड सो आप फेंकने के लिए आप थ्रो का यूज करते हैं। स्क्वीज, निचोड़ना, आप निचोड़ने के लिए, जैसे लेमन, फॉर एग्जाम्पल लेमन, दो नींबू निचोड़ो, लेमन टू स्क्वीज, टू लेमन, सॉरी। सो स्क्वीज इज अ एक्शन। सो स्क्वीज टू लेमन, बिना सोचे आप पहले एक्शन बोल देंगे, स्क्वीज टू लेमन। एंड नेक्स्ट इज अ मेक अ नॉइज। अब देयर आर टू कंडीशन, आपकी कंडीशन है, यू अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड एक्शन। आप एक्शन ग्रामर टू टाइप्स में बनाएंगे। यू विल मेक एक्शन ग्रामर इन टू टाइप। फर्स्ट इज अ एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। या तो हम सामने वाले से कहते हैं ये काम करो, या हम लोग कहते हैं ये काम मत करो, उसे मना करेंगे। सो जब आप किसी से मना करते हैं तो दैट टाइम यू विल यूज डोंट बिफोर एक्शन। आप एक्शन के पहले डोंट का यूज करेंगे। डोंट,
मेक अ नॉइज, तो देयर इज अ मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट कंपेयर, मेक अ नॉइज शोर मचाना, डोंट मेक अ नॉइज, कंपेयर किसी चीज से तुलना करना, तो कंपेयर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, आप दूसरों से अपनी तुलना मत करिए, अप्लाई किसी चीज को अप्लाई कर लगाना, डोंट अप्लाई दिस क्रीम ऑन योर फेस, डोंट अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, सो अप्लाई करना लगाना, एंड दिस नेक्स्ट थिंग इज पुट ऑन पहनना, डोंट पुट ऑन दिस ड्रेस, डोंट पुट ऑन दिस स्लीपर, कोई भी चीजें पहनते हैं स्लीपर ड्रेस, तो किसी भी चीज डोंट ऑन पुट ऑन दिस स्वेटर इन विंटर सीजन, टेल, टेल मीन्स कहना बोलना, सो डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो जब हम लोग कहेंगे कि ये काम करो, सो यूज ओनली फर्स्टली यू विल यूज एक्शन, एंड जब हम लोग कहेंगे ये काम मत करिए, सो यू विल यूज दैट टाइम डोंट बिफोर एक्शन, आप एक्शन के पहले डोंट का यूज करेंगे, देखिए बच्चे से कहते हैं अरे छत पे पतंग मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, अपने बच्चे को मत डांटो, डोंट स्कोल्ड योर चाइल्ड, उसे थप्पड़ मत मारो, डोंट गिव अ टाइट स्लैप ऑन योर हिज फेस, तो हम लोग बिना सोचे डोंट का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड, एंड आप जब किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक्शन बोलेंगे, प्लीज बोरो योर ड्रेस, प्लीज बोरो मी योर ड्रेस फॉर वन डे, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिसन टू मी, तो आप प्लीज करके आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करेंगे कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट टाइम यू विल यू हैव टू यूज एक्शन ग्रामर, एंड इन व्हेन यू ऑर्डर समवन, जब आप ऑर्डर देते हैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस में बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, ऑर्डर ही तो देगा, ब्रिंग दैट फाइल टू माई टेबल एंड क्लीन माई ऑफिस, क्लीन दिस ऑफिस, वॉट इज इट, चेक माई अकाउंट, सो ही विल ऑल्सो यूज एक्शन फर्स्ट फॉर्म इन ऑर्डर टोन, आप ऑर्डर टोन में भी एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो क्या बोलती है, डोंट मेक अ नॉइस, टेक आउट योर बुक, टर्न एट द पेज नंबर 15 एंड लिसन टू मी प्रॉपरली, स्पीक लाउडली, आंसर दिस क्वेश्चन, सो दीज आर ऑल्सो शी एक्शन फर्स्ट फॉर्म शी इज यूजिंग, तो उस टाइम टीचर होती है ऑर्डर कर रही होती है लेकिन वो भी एक्शन फर्स्ट फॉर्म का ही एक्शन ग्रामर का यूज करती है, एडवाइस टोन, इन एडवाइस टोन, जब डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस देता है, टेक मेडिसिन इन टाइम, डोंट डू मच हार्ड वर्क एंड हैवी वर्क, गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस, so that time doctor also used this take rest and so doctor भी आपको action first form का ही use करता है जब आपको advice देता है, तो second condition is when you give instruction to someone, जब हम लोग किसी को निर्देश देते हैं उस time पे भी हम लोग action grammar का ही use करते हैं जब निर्देश देते हैं, for example अगर आप कहीं खड़े हो, आपसे किसी ने एड्रेस पूछ लिया कि प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, सो दैट टाइम आप उसको काम नहीं बता रहे, आप उसको निर्देश देंगे कि गो स्ट्रेट, सीधे जाइए एंड टर्न लेफ्ट और बाएं मुड़ जाइए, वॉक लिटिल, थोड़ा चलिए एंड चलकर दाहिने मुड़ जाइए, टर्न राइट, दैट्स इट, तो आप जब निर्देश देते हैं उस टाइम पे भी आप एक्शन ग्रामर का ही यूज करते हैं, जब आप कोई निर्देश इंस्ट्रक्शन बुक पढ़िए उसमें ज्यादातर आपकी एक्शन ग्रामर का ही यूज किया जाता है, एक्शन ग्रामर इज यूज इन इंस्ट्रक्शन बुक मोस्टली, सो इन लास्ट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, तो ये जो मैंने लास्ट में लाइन बोली, सो दिस इज ऑल्सो एक्शन ग्रामर, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो इस लाइन को अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल दीज थ्री आर एक्शन, ये तीनों भी एक्शन ही हैं,
So how will I translate into English? Please like, subscribe and share my channel. That's it. Thank you so much.